हेलो दोस्तों, और ये हम वापस से आ चुके हैं हम अपने माइनक्राफ्ट में। और ये हम कहाँ हैं आपको अभी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, और जिनको आ गया है वो है हमारे घर के ऊपर स्मार्ट बंदे। और गाइस लाइव स्ट्रीम भी हो रही है आजकल, तो देख लिया करो। बाकी आज के वीडियो में देखोगा, ये अभी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं बिग गेम ऑफ लीड का और जैक भैया का, दोनों का ही है वैसे तो दोनों का हम आपको वन ब्लॉक वर्ल्ड देने वाले हैं। और जल्दी से देते हैं आपको, तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी अगर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस मजा जाने वाला है, तो एंड तक जरूर देख लेना। तो गाइस ये आ चुके हैं, मतलब अभी तो मैंने बताया इंट्रोडक्शन पूरा, और देख सकते हो ये उनका मेन जहाँ पे वो खोदते रहते हैं। और इन चेस्टों में मुझे पक्का पता है कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड है, अपन को अपने अंदर खेलना पड़ता है। मैं टेक्सचर पैक लगाया हूँ तो उधर पे ऐसा कुछ दिख रहा है। और गाइस देख सकते हो बिल्कुल ही सेम वर्ल्ड दिया है इन्होंने, जिनने भी बनाया है हाइड्रा वासिफ गेमिंग ने बनाया है, तो उनका भी चैनल आप देख लो। मेरे से कम सब्सक्राइबर हैं लेकिन उनके व्यूज़ मुझसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो सब कोई देखता है, मेरी वीडियो कोई दिखता ही नहीं है। और ये है उनका आयरन फार्म, जो कि रियल में वर्क करता है कि नहीं करता। हाँ करता है, तो ये भी वर्क करता है पॉकेट में भी, तो आप देख के उनकी वीडियो बना सकते हो। गाइस बिल्कुल ही सेम वर्ल्ड है, और ये है उनका एक्सपी फार्म, और यहाँ से एक्सपी ग्राइंड करनी पड़ती है, तो मैं भी कर लेता हूँ। ये आप सर्वाइवर में जरूर बनाया करो। और ये टेक्सचर पैक बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो इसका स्काई देखो गाइस आप एक बार, इनका वर्ल्ड प्लस स्काई ये देखो, कितना ही सुंदर लगता है इसका स्काई, देखो आप एक बार, किसने भी बनाया होगा ना मज़ा आ गया देख के मेरे को। और देख सकते हो ये है उनका बोट हाउस, जो कि उन्हें बनाया था उनके विलेजरों के लिए, जो कि मेन तो उनने मिस्टर बीस्ट भैया के लिए बनाया था, अपने तो हैं ही नहीं कोई, उधर विलेजर्स तो होंगे नहीं क्योंकि मैप वाले ने बनाए नहीं होंगे। और ये सिर्फ चलाने का मैकेनिज्म, उधर सिर्फ चला नहीं सकते इसलिए वो चल भी नहीं रही, उसमें फ्यूल नहीं होगा। और ये है जैक भैया का, उनका यहाँ पे क्या लिखा है, मौत का दरवाज़ा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। गाइस ये बड़ा मस्त है। और यहाँ पे एक उन्होंने बिल्ड बनाया था शायद, अभी वो बिल्ड इसमें पूरा नहीं बनाया, अभी बन जाएगा तो इसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, तो आप देखते रहना। वैसे मस्त जगह है जो भी कहो। तो ये यहाँ पे ऐसा है, तो हम वापस चलते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, देखो इसलिए सब मौत का दरवाज़ा लिखा है। तो जल्दी चलते हैं अपने इधर से, उधर पे क्या लिखा है, मुस्कुराइए आप जन्नत में हैं। ये जैक भैया ना कसम से कुछ भी लिखते हैं, वैसे है तो जन्नती, वो वहाँ से मर के जन्नती में पहुँचेंगे। और इनका घर पे चलते हैं, यहाँ पे देखो गाइस ये शिप हो गई, ये है उनका वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनका एक्वेरियम है इधर पे, जिनकी सीढ़ियाँ मुझे अजीब सी लगी हैं, जिसमें बिना जंप करे हम चढ़ नहीं सकते हैं। और इनके एक्वेरियम में मछलियाँ हैं कि नहीं, मछलियाँ ही नहीं हैं यार एक्वेरियम में। और उधर पे यहाँ दरवाजा बना है, और उधर बाथरूम भी तो था एक जगह, अरे इधर से दरवाजा है मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं कभी उनकी वीडियो में, मैंने देखा नहीं था, मैंने वीडियो तो देखी थी। और बैल्स में कुछ नहीं होगा, बाकी अच्छी जगह है। और जैक भैया की सीक्रेट जगह भी है गाइस, हाँ ये रहा ना बाथरूम, छी छी प्लेट भैया अभी भी फ्लश करके नहीं गए, उसको निकाल दो, निकल जा, छी 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 फ्लश करके नहीं गए अभी भी जैक भैया, सही बोलते हो, प्लस नहीं करके जाते। और यहाँ पे है वो वाली उनकी ट्रैप डोर वाली जगह, जो कि पॉकेट एडिशन में वर्क नहीं करती है सैडली, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। और ये पॉकेट एडिशन ही का मैप है, जावा वाले उन्हीं हाइड्रा वासिफ गेमिंग की वीडियो देख के उनने दी है लिंक जावा एडिशन की, तो आप उनसे भी ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ये इनका एक्वेरियम की डिज़ाइन है, जो कि वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं इधर पे, और मैंने तो रिपेयर करके मिलता हूँ आपसे, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एकदम सही मिलेगा भाई। अब मैंने देख सकते हो आप सही कर दिया है इसको, और कि आपको एकदम सही मिलेगा, आप चिंता नहीं लेना कि मैंने गड़बड़ कर दी, तो आपको गड़बड़ ही मिलेगा।
और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका वो ट्रेडर हॉल है, ट्रेडिंग हॉल कह लो, मस्त है एकदम, बिल्कुल अंदर से भी देख लो। और नीचे चल के दिखा दूंगा अभी, ये देख सकते हो उनका जितना भी पूरा था बिल्कुल सेम है। और फिर हम ऊपर चलते हैं इधर से, तो ये रहा उनका ट्री फार्म, बिल्कुल ही सेम टू सेम मॉस फार्म मैंने दिखाई दिया। और ये किसका घर है? अच्छा हाँ, ये तो वहाँ जाने की जगह है, प्लस ये वाला घर भी है। यहाँ पे इधर पे क्या बोलते हैं, चेस्ट रूम है उनका, जो कि अच्छा लगता है वैसे भी, वो उनके बिल्ड्स गाइस बहुत अच्छे होते हैं। और जल्दी चलते हैं इधर पे, बारिश होने लगी है। और ये उनका वो जैक भैया का घर, और इधर पे लिखा होना चाहिए टू डायमेंस पर विजिट क्रिएटर, ये कैसे भूल सकता है। अभी लिखो, आप भी लिख लेना अगर नहीं लिखा होगा तो, अभी लिखो भाई, लिखना पड़ेगा, ये तो गलत बात लिख दिया है। ये अच्छा लग रहा है अब, हाँ नहीं तो अब मैं अंदर नहीं जाने वाला, मैं क्रिएटर में फिर भी डायमंड्स नहीं दूंगा, क्योंकि फ्री में डायमंड वैसे भी जैक भैया है ही नहीं तो कहाँ से लेंगे। ठीक है गाइस, तो जल्दी है, अब देख सकते हैं यही है फ्लीट भैया की सोने वाली जगह, यहाँ पे पुलर भी आया था, अब वो जाने कहाँ है। और उनकी सीक्रेट बैरल भी अभी भी रखी है, जिसमें कुछ नहीं होगा अभी तो मेरे इस वाले वर्ल्ड में। अरे खोल जा अब तो गाइस, वो तो खोल नहीं रहा है, तो हम आगे देखते हैं। और तो और कुछ तो ज़्यादा है नहीं, ये इनका बार्न भी है इधर पे, और इनमें कुछ नहीं होने वाला है मुझे पता है, लेकिन मेरे हाथ में खुजली मस्ती है ना, तो इधर पे इनका बार्न है पूरा, वहाँ मतलब पूरा वाला एकदम गाइस लेटेस्ट ही वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट ही लेटेस्ट, बिल्कुल मतलब लेटेस्ट ही मान लो। और इधर पे सीक्रेट जगह पे जा रही है, वैसे मुझे जाना नहीं है और ये ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये है उनका बर्न वगैरह, और यही था उनका वर्ल्ड। तो आपको वर्ल्ड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, फ्लीट भैया के नाम पे तो कर ही दो लाइक आज। तो जल्दी से आपको ये वर्ल्ड की लिंक मिल जाएगी आपको नीचे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, देख लेना तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी ऐसी वीडियो आपको अच्छी मिलती रहेंगी। तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही था, अगर आपकी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना होगा। गाइस बाय बाय।